अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो टीवी बंद कर दीजिए और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ये प्रोग्राम बस आप ही के लिए बना है। एक तरफ चाइना प्लास्टिक राइस और एग बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही हम इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग चिकन और मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेच रहे हैं, वो भी 300 रुपए किलो में पूरे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप मटन खा रहे हैं और उसको बड़े चाव से खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं और उसी में आप ही के पालतू कुत्ते का मटन हो। इसलिए अगली बार अपने प्लेट में का मटन अपने मुंह में डालने से पहले ये चेक कर लें कि आपका कुत्ता भौंक तो रहा है ना, और पड़ोसी का भी चेक कर लें कि वो भी भौंक कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे भाव भाव। मिस नैना, अगली बार अगर कोई कवर स्टोरी बनाओगे ना, तो वो कुत्ते बिल्लियों पर नहीं इंसानों पर बनाना, फिर देखना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हिट हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, तो आपने इसे अपनी स्टोरी बताकर क्यों प्रेजेंट किया? एक नंबर के कसाई लग रहे हैं। सर आपने ये क्यों कहा कि ये स्टोरी आपने बनाई है, जबकि सारी मेहनत तो नैना मैडम ने की है। अरे वो तो सिर्फ न्यूज बनाती है, और तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे सीरियस सेंसेशनल बनाता हूँ। क्या समझे? वो सीट देख रहे हो वहाँ पर बैठ के टीआरपी बढ़ानी पड़ती है। तुम जाओ। अभी जो स्टोरी रिकॉर्ड किया ना, उसे एडिट करके मुझे दिखाओ। अब एडिट करके क्या फायदा सर? वो क्यों? ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम? अबे घोचू कहीं के। लाइव प्रोग्राम में तूने चैनल के टीआरपी सीक्रेट्स रिवील कर दिए? जा बंद कर उसे। जा। ओ तेरी। भैया ये घर है या महल? इस घर की छोड़ो, उस लड़की पर ध्यान दो। अगर बात बन गई तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। हाँ विकी, अगर यहाँ बात बन गई तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो थोड़ा ठीक से रहना। अंकल ये रोजवुड है ना? नहीं, टीक वुड है। कोई भी वुड हो अंकल, देखने में तो बड़ा ही कमाल का लग रहा है। ये सब पैसे का कमाल है बेटा। इस घर को बनाने के लिए मैंने चेन्नई से स्पेशल कारीगर बुलवाए थे, चिकमंगलूर और केरला से पेड़ मंगवाए। ये सारा काम करवाने में हमने 13 करोड़ के आसपास खर्च किए हैं। 13 करोड़? आपका भाई बहुत भाग्यशाली है, मेरी बेटी ने कई अमीर लड़कों को रिजेक्ट करके आपके भाई को चुना। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हम जैसे गरीबों को अपने लायक समझा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं भी गरीब ही था। 20 साल पहले इतनी बुरी हालत थी कि मैं किराया भी नहीं दे पाता था। फिर मैंने तंग आकर नौकरी ही छोड़ दी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया और फिर जन्म हुआ मेरी बेटी का, जिसके आते ही मेरी किस्मत खुल गई, मैं करोड़ों में खेलने लगा। ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो जब उसने आपके भाई की फोटो देखी तो कहने लगी इसी से शादी करूंगी। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? वो अंकल एक्चुअली मैं एक मेरे साथ गैराज में काम करता है और एक खुद का कार शोरूम खोलना चाहता है। शाबाश बेटा। वैसे मैंने तुम लोगों के बारे में पूछताछ की है, सबने यही कहा कि लोग अच्छे हैं, मेरे लिए इतना काफी है। बेबी को भेजो जरा। बेबी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम लोग चाहो तो एक दूसरे से अकेले में बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपस में बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है अंकल, अभी तो आपसे कुछ काम की बातें हो जाए। ये क्या बोल रहा है विकी? ठीक है जाओ, इसे अपना कमरा दिखाओ। एक्चुअली तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। जब मैं तिरुपति से आऊंगा तब देखना मेरा हेयर स्टाइल। मजाक अच्छा कर लेते हो, तभी तो तुम्हारी स्माइल देखने को मिलेगी। मेरी स्माइल में क्या है? इटालियन मार्बल। हाँ? विकास तुम कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ सोच तो रहा हूँ। क्या इतने शानदार हॉल में इतना छोटा सा टीवी? ये कोई टीवी नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा है। ओह मुझे पता था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ये क्या है? ये तो बेडरूम है। ओह सोने की जगह। इतना बड़ा कमरा। तुम्हें पसंद आया? अरे कमाल का है। पता है अगर ये मेरा कमरा होता ना तो सेंटर में दीवार डालकर किराए पर चढ़ा देता। ये क्या है? अरे बाप रे, इतना बड़ा वॉश बेसिन, बाथरूम के अंदर भी एक ग्लास हाउस। आहा।
कमाल का है, बेडरूम से बढ़िया तो बाथरूम है। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब नहीं, बाथरूम में भी कॉमेडी करते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगी? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा घर हो तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। क्या मतलब? घर देखकर ही ये पता चल जाता है कि तुम कितने लाड़ प्यार से पली बढ़ी हो। कोई बेवकूफ ही तुम्हें रिजेक्ट करेगा, और वो बेवकूफ मैं नहीं हूँ। विकास, तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। तो लगाती क्यों नहीं? आओ ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे डैड ने हम पे भरोसा करके अकेले में मिलने दिया है, उनका भरोसा तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे वाह, तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। I like you too, yes. हम जब लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अच्छा सा दिन देखकर इनकी सगाई भी कर देते हैं। जैसा आप कहें, अब हम चलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। चलो बाय। जाओ उन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। अरे ये क्या है भाई, ये फोन से ही चिपका हुआ है। जिसे देखने गया था वही लड़की है या फिर किसी और को पटा के आ गया? मुझे तो शक हो रहा है इसमें। वो क्या है ना, मैंने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने हाँ कहा तो मैं मंदिर में उनके लिए तेल चढ़ाऊंगा। दोस्तों के लिए? दोस्तों को मंदिर ले आऊंगा तेल चढ़ाने के लिए, ये कह रहा था मैं। कौन सा मंदिर? मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर मंदिर। जल्दी आ, बार बंद हो जाए। पर मुझे तो बार सुनाई दिया। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर में हम लोग बार बार आएंगे। इतनी देर तक तो कोई मंदिर खुला नहीं रहता। वो क्या है ना, सामने का दरवाजा तो बंद हो चुका है पर पुजारी ने बैक डोर से एंट्री करवा दी। पुजारी से मेरी अच्छी पहचान है। बैक डोर एंट्री? किससे बात कर रही है? सुनो विकास डैडी। अपना विकास, जरा मेरी बात कराना। अरे बेटा विक्की कैसे हो? तुम्हें एक गिफ्ट देना था मुझे। कौन सा ब्रांड पसंद है? ब्रांड तो कोई भी चलेगा ससुर जी, बस सोडा होना चाहिए। सोडा? मैं पूछ रहा हूँ कौन से ब्रांड की कार पसंद है और तुम बेटा सोडा की बात कर रहे हो। ससुर जी मैंने सोडा कब बोला, स्कोडा। ओ स्कोडा कार। ओके 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 ओके। पीने की लत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं ससुर जी, बल्कि मुझे देखकर तो मेरे दोस्तों ने भी पीना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कोई और बुरी लत तो नहीं है ना? भगवान की दया से अब तक तो मुझे कोई बुरी लत नहीं है, पर ये शराब पीने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ससुर जी। बॉटल से पढ़कर बोल रहे हो क्या बेटा? डैड उसे डिनर पे बुलाइए ना। कल रात तुम्हें डिनर पर आना है बेटा। मटन बिरयानी, चिकन सूप वगैरह सब है मेन्यू में, खाएंगे और गप्पे मारेंगे। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। ओके गुड नाइट। पैसों से अमीर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दामाद दिल का राजा है राजा। कुछ भी कहो दोस्तों, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बढ़िया ससुर मिलेगा। यार तू जब से आया है तू अपने ससुर के ही गुनगा रहा है। लड़की के बारे में भी कुछ बताना यार, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। पैसा किसने कमाया? किसने? ससुर जी ने। अच्छा गाड़ियाँ किसने खरीदी? किसने खरीदी? ससुर जी ने। अच्छा। और इतना ही नहीं, लड़की को दुनिया में कौन लाया? ससुर जी। तो बताओ, मैं उनकी बात ना करूँ तो किसकी करूँ? अब समझ में आया वो कितने कमा रहे हैं। अपना हाथ दे। वैसे दोस्तों पूरी दुनिया पैसों के दम पे चलती है, हम तुम जैसे लोग तो बस लड़खड़ा के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे संभल संभल के। अगर जरा सा भी रुक गए ना तो पीछे वाले धक्का देके आगे निकल जाएंगे और अपन मुंह लटका के देखेंगे। इसीलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, अब समझा? लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। छोट, कब से दिमाग की दही कर रही है, बाहर निकाल। बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? हट जा यहाँ से लोफर। भाई इसकी ये हिम्मत, इसने तुम्हें लोफर बोला? तुम लोफर, तुम्हारा पति लोफर, तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा लोफर और छोटा बेटा छोटा लोफर। ये देख, पढ़ना नहीं आता है क्या? इस जगह पर हॉर्न बजाना मना है, ऐसा बोर्ड पे लिखा है। चलो अब माफी मांगो, चलो अभी बता।
ये तो वही लड़का है। एक लड़की के साथ कैसे बात करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं है तुझमें? नहीं है। और रात के 12 बजे कौन सा स्कूल खुला रहता है? तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है? नहीं, मैं हूँ महिला पार्टी की लीडर। चुप। अगर तुम लेडीज पार्टी की लीडर हो ना, तो मैं जेंटलमैन पार्टी का लीडर हूँ। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। और मैं डिप्टी सेक्रेटरी। और मैं नंबर वन। और मैं नंबर टू। सेक्रेटरी नंबर टू। अब सॉरी बोलेगी। ये सब के सब शराब के नशे में धुत है। एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। सिर्फ पुलिस ही क्यों, मिलिट्री को भी बुला लो। पर मैं तो तब तक यहाँ से नहीं लूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी। चलो सोल्जर्स। यस बॉस। यस बॉस। टेक पोजीशंस। करेक्ट बॉस। गुड नाइट। टेक पोजीशंस और सो जाओ। अबे विक्की, ये क्या हाल बना रखा है, तेरे कपड़े कहाँ गए भाई? हाँ अबे मेरी बात छोड़, पहले अपने आप को देख, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। हुँ, 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 हमारे कपड़े कहाँ गए? अबे उठ, घोड़े बेच के सोया, उठ जरा, तुझे कुछ फर्क भी पड़ता है? कहीं पर भी सो जाता है। अरे बाप रे, तू बिना कपड़ों के? अबे खुद को देख, तू भी ऐसा ही है। अबे उठना गधे, अब तक सो रहा है, जा। लगता है हम लोग पुलिस स्टेशन में भाई। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। मैडम, मैडम। क्या है? इस देश का फ्यूचर है मैडम, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बताइए ना हमने क्या किया है। मैडम, मैडम आपने हम सबकी पैंट उतार ली, लेकिन आपने इसकी पैंट छोड़ दी, ये तो चीटिंग है। क्योंकि उसने पैंट के अंदर कुछ नहीं पहना था। वो तो मैं बचपन से ही नहीं पहनता हूँ। मैडम, सिस्टर, सिस्टर, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम शरीफ बच्चे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि महिला पार्टी की लीडर के साथ क्या हुआ। अरे यार, हम टीवी पे हैं। मैं तो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना। शक्ल से बिल्कुल शरीफ दिखने वाले ये लोग वो गुंडे हैं जो ना सिर्फ लड़कियों की गाड़ियाँ रोक के उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि उनका कीमती सामान भी छीन लेते हैं। और अगर कोई लड़की मना कर दे तो ये बदमाश उनका रेप तक करने में नहीं हिचकिचाएंगे। पर कल इनकी बाजी इन्हीं पर उल्टी पड़ गई, जब इनका सामना महिला पार्टी की लीडर से हुआ। पहले इनकी खूब पिटाई की गई और फिर इन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने इनको पकड़वाने में हमारी मदद की है, ताकि सारी लड़कियां ये जान सके कि ऐसे बदमाशों का क्या हश्र करना चाहिए। ये लो, शराब की बदबू आ रही है, इन्हें पहन के बाहर आ जाओ, जल्दी करो। तुम्हारा भाई कितना अच्छा इंसान है, फिर भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मिस्टर राजशेखर, सिर्फ आपके कहने पर मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, ताकि इनका फ्यूचर खराब ना हो। वो पार्टी लीडर मेरी दोस्त है, मैं उसे संभाल लूंगी। शुक्र मानो अभी FIR दर्ज नहीं हुई, मीडिया से मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। यस मैडम। 405 जी मैडम। इनका स्टेटमेंट ले लो और फिंगरप्रिंट्स लेके इन्हें छोड़ देना। ओके मैडम, चलो। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक लड़की की मदद से बहुत आगे जाऊंगा, तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, पर ये नहीं पता था कि चक्की पीसनी पड़ेगी, वो भी पुलिस स्टेशन में सारे कपड़े उतार कर। हमारी कुंडली में कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी तेरे साथ हम भी फंस गए। भगवान ऐसे दोस्त कभी किसी को ना दे, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना मेरे भाई। अबे चुपचाप बैठना यार। बोलो मेरी जानू। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। टीवी पे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुनो तो सही। मैं थप्पड़ मारूंगी। मैं घर आता हूँ। बेवड़े हो। बात करेंगे। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स? हाँ। अरे कुछ नहीं सुनना। जानू, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या बोल रहे हो? जानू, जानू, सुनो ना। वही हो? Excuse me, pen please. अरे कौन हो भाई? मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। सुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हमें टीवी पर देखा होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सही कह रहा है। इसकी तो ए, ना तो कोई ऑटोग्राफ मिलेगा ना कोई फोटोग्राफ, चल निकल यहाँ से। तू चुप बैठ मच्छर, ये मैन टू मैन टॉक है, मैं तुम्हारा फैन हूँ,
ऑटोग्राफ प्लीज। देखा तूने, उस लड़की ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुझे बदनाम कर दिया। आखिर वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं।